हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुफेलो। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज के मीशो हॉल का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है सिर्फ 111 रुपए। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो एंड तक जुड़े रहिएगा। चलिए पहला प्रोडक्ट जल्दी से ओपन करते हैं। ये देखिए कितने प्यारे बोल्स हैं ये, और कलर देखिए कितना प्यारा है। ये देखिए 6 पीसेस का सेट है, और जो इसमें डिज़ाइन है, जो इसका सेल्फ डिज़ाइन है, वो भी देखिए डायमंड कट का डिज़ाइन है, और जो इसकी डीपनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। सिक्स पीसेस में है ये। ये आप सर्विंग बोल्स यूज़ कर सकते हैं, आइसक्रीम बोल्स यूज़ कर सकते हैं, इसको डाइनिंग टेबल पर आप यूज़ कर सकते हैं, या स्नैक्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी प्यारे हैं, और जो इसकी क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये ग्लास के नहीं है, है ये प्लास्टिक के, लेकिन फिर भी इनकी क्वालिटी अच्छी है। और जो प्राइस है इनका 147 रुपीज़ में ये 6 पीसेस मिले हैं मुझे, तो मेरी तरफ से ये अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप लेना चाहें तो आप इनको ले सकते हैं। चलिए जल्दी से नेक्स्ट ओपन करते हैं। ये देखिए इस प्रोडक्ट का ये है स्ट्रॉ, और ये देखिए ये है ग्लास जार विद लिड, और बहुत ही अच्छा है ये जो इसका ग्लास है, और इसका हैंडल जो है उसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, और जो इसका कैप है वो भी काफी अच्छा है। यहां पे एक रबड़ लगा रखा है ताकि जो इसका स्ट्रॉ है वो इजीली चला जाए इसमें, और काफ़ी अच्छा है। जो साइज़ है वो भी इसका काफ़ी अच्छा है। इसमें आप अपना जूस है, या फिर शेक है, या स्मूदी है, वो आप इसमें इसमें डाल के आप पी सकते हैं, या फिर अपने बेबीज़ को भी दे सकते हैं। हाँ, बहुत छोटे बच्चों को तो आप नहीं दे सकते ऑब्वियसली, क्योंकि ये कांच का है, ग्लास का है, और प्रोडक्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ये आप गिफ्टिंग पर्पज़ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो इसका प्राइस है वो 165 रुपीज़ का है। 165 रुपीज़ में ये मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा, और देखिए रखने पर अगर आप में जूस पीते हैं या स्मूदी वगैरह पीते हैं, तो ये काफी अच्छा एक अच्छा लुक देता है, क्योंकि क्या करते हैं, जैसे कई बार जूसेस वगैरह पीते हैं तो वो स्पिल हो जाते हैं या फैल जाते हैं, तो आप इसका लिड लगा के आप पी सकते हैं। और जैसे ट्रैवलिंग में, जैसे आप कार वगैरह में जा रहे हैं, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो और इसमें कलर्स जो हैं वो काफ़ी सारे थे, तो मुझे ये ग्रीन वाला मिला है। अगर आप चाहें तो कलर्स आप इसमें और भी ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इस वीडियो का, बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, हर घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है, तो जल्दी से ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है सोप डिस्पेंसर, डिश वॉशर सोप डिस्पेंसर, और इसका मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए एक तो ये जो स्क्रबर है ये हमको फ्री मिला है इसमें, और जो इसका साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें आप अपना सोप डाल सकते हैं, लिक्विड सोप डाल सकते हैं। इसको यहाँ से ये बंद किया, और ये इसका पंप यहाँ पे लगा दिया, और जब भी आपको यूज़ करना है, ये देखिए इसको यहाँ पे रख दिया, और जब भी आपको सोप लेना है तो इसे प्रेस करके आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया, और वॉश करके इसको वापस यहीं पे रख दिया। तो ये 2-in-1 पर्पस सॉल्व कर रहा है, कि एक तो इसमें सोप भी आ जाता है, और इसमें ये स्टैंड भी बन जाता है यहाँ पे, ये आपका स्क्रबर रखने का। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, जो इसका पंप है वो भी काफ़ी अच्छा है, और साइज़ भी इसका काफ़ी अच्छा है इसका। और प्राइस की बात करें तो मात्र ये 111 रुपए का है, 111 रुपीज़ का है ये। बहुत ही मज़ेदार, यूजफुल, और हर घर में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इस वीडियो का, ये भी बहुत ही यूजफुल, हर घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, बटर तो हम सब लोग खाते हैं, और हम सबको पसंद भी है, हालांकि लगाना पसंद नहीं है, लेकिन खाना तो सबको पसंद है ना बटर। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है बटर होल्डर, या कहें मक्खन जो होता है हमारे घर में, वो क्या होता है, हम फ्रिज में रखते हैं उस बॉक्स को, तो क्या होता है, जब हम उसको ओपन करते हैं स्टार्टिंग में, तो उसका टेस्ट कुछ और होता है, लेकिन थोड़े दिन अगर वो रखा रहे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो उसका टेस्ट चेंज ना हो उसकी वजह से हम बटर इसमें रख सकते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा है, ट्रांसपेरेंट है ये बटर होल्डर, और इसमें हम आधा किलो तक बटर इसमें होल्ड कर सकते हैं, और जो इसकी लिड है वो भी काफी अच्छी है, ये देखिए, और ये लॉक हो जाती है ये लिड,
इसमें क्या होता है, अगर आप फ्रिज पे रखते हैं या डाइनिंग टेबल पे रखते हैं या आप सर्व करते हैं इसमें बटर, तो ऐसा नहीं है कि इसकी लिड आप उठाते ही गिर जाएगा। ये काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी, और जो प्राइस है इसका वो है 144 रुपीज। 144 रुपीज में ये मुझे काफी यूजफुल प्रोडक्ट लगा। अगर आप लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये हर घर में यूज होने वाली चीज है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी काफी मजेदार है, चलिए जल्दी से ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी ट्रे है, और ये देखिए, ये इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। ये फ्रेंड्स, ये है एक की चेन होल्डर। वैसे तो ये शोपीस भी है, शोपीस की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और वैसे ये है की चेन होल्डर। जैसे हमारी कीज़ होती हैं वो हम इधर उधर पटक देते हैं, और जब जाने का टाइम होता है तो ढूंढते रहते हैं कीज़ कहाँ चली गई, तो इसमें हम अपनी कीज़ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये मैं इसको इसमें लगा के दिखा रही हूँ, ये आप कीज़ इसमें डाल सकते हैं, किसी में भी डाल सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अलग अलग इसमें आप कहीं पे भी जहां भी चाहें आप अपनी कीज लगा सकते हैं इसमें, और नीचे आप अपनी वॉच वगैरह रख सकते हैं। ये देखिए, जो वॉच मैंने पहनी हुई है, बेसिकली मैं इसको ही रख के दिखा देती हूँ, यहाँ पे अपनी वॉच रख सकते हैं। तो क्या होता है कि इसको आप जैसे मेन गेट के आसपास आप इसको कहीं पे रख सकते हैं, या फिर आप घर में कहीं पे भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है मेन गेट पे ही रखें। तो इसमें जैसे कीज आपकी यहीं पे हो गई, आपकी वॉच यहीं पे ही हो गई, और कुछ छोटे मोटे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं जो जैसे आर्टिफिशियल वगैरह होते हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं, जैसे बैंगल्स वगैरह हो गई। तो इसमें क्या होता है कि सारी चीजें एक जगह पे हो जाती हैं, और शोपीस का शोपीस है और यूजफुल का यूजफुल है ये, तो दोनों तरह से विन विन सिचुएशन है ये। और जो प्राइस है इसका वो है मात्र 167 रुपीज का। तो 167 रुपीज में भाई मुझे तो ये आइटम गजब का लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आइटम है वो भी काफी यूजफुल है, और हर घर में जरूरत, हर घर की जरूरत है। चलिए जल्दी से मैं दिखाती हूँ कि ये क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, टन टन, ये देखिए, ये है कोलैप्सिबल क्लोजेट ऑर्गेनाइजर। 4 कंपार्टमेंट्स हैं इसमें, ये देखिए, और यहाँ पे ये वेलक्रो लगा हुआ है। ये देखिए, दोनों साइड वेलक्रो लगा हुआ है। आपके जो रॉड्स होती हैं क्लोजेट की, उसमें आप इसको ऐसे हैंग कर सकते हैं, यहाँ पे ये वेलक्रो लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे वो रॉड चली जाएगी और ये यहाँ से अटैच हो जाएगा, और आप इसको अपनी वार्डरोब में लगा सकते हैं। और इसमें आप अपने यूजफुल जैसे हैंडी टॉवल्स होते हैं, या छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं, या अपने भी बेसिकली जो कपड़े होते हैं, तो वो आप इसमें रख सकते हैं। काफी ऑर्गेनाइज रहेंगे क्योंकि 4 सेक्शंस बन गए हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात, जो आपकी क्लोजेट है उसमें एक अलग से एक स्पेस बन गया है। ये पार्टीशन तो हो ही गया है, लेकिन स्पेस जो है वो देखिए, आपके एक क्लोजेट में ये 4 कंपार्टमेंट्स बन गए हैं, तो ऑर्गेनाइज भी रहेगा और इसमें एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल रहा है आपको अपनी क्लोजेट में। और प्राइस की बात करें तो जो इसका प्राइस है वो है 218 रुपये। 218 रुपये में भाई मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हम लोगों की क्लोजेट होती है वो एक ना एक टाइम पे आके हमारी बिखर ही जाती है, उसमें जो चीज़ें होती हैं वो इधर उधर हो ही जाती हैं, तो उसमें हमें पार्टीशन चाहिए होता है ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। तो ये मैंने एक मंगाया था ये देखने के लिए कि क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी ज़बरदस्त है, तो मैं इसमें एक और मंगाने वाली हूँ ताकि हर क्लोजेट में ये लग जाए और चीजें ऑर्गेनाइज रहें। और जब आपको नहीं चाहिए तो आप इसको कोलैप्स करके रख सकते हैं, और जब आपको चाहिए तो आप इसको लगा सकते हैं, तो है ना मजेदार। फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से नेक्स्ट आइटम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है स्पून होल्डर। स्पून मतलब जो हमारी करछी होती है या सर्विंग स्पून होती हैं, उनको होल्ड करने के लिए, ताकि जो हमारी किचन है या डाइनिंग टेबल है वो गंदी ना हो, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आ गया, या हम डाइनिंग टेबल पे अपना खाना, या जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आ गया, या हमारे घर में छोटी मोटी कोई पार्टी है, या कोई लोग आ गए हैं, तो उसमें हम खाना सर्व करते हैं, तो उसमें जो करछी वगैरह या सर्विंग स्पून होती हैं हम इसमें रख सकते हैं, और उससे हमारी डाइनिंग टेबल या फिर टेबल जो होती है वो गंदी नहीं होती। और तो और, हम अपने किचन में भी इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि करछी हम जब रखते हैं काउंटर पे तो काउंटर गंदा हो जाता है। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, ये स्टील के हैं और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, स्टील भी बहुत अच्छी है, और जो प्राइस है वो है इनका 148 रुपीज़। 148 रुपीज़ में 2 का सेट मिला है मुझे।
फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो लास्ट आइटम है जल्दी से वो भी दिखाती हूँ, ये भी बहुत यूजफुल आइटम है। ये देखिए, ये हैं फोर कोस्टर्स, फोर कोस्टर्स हैं, ये थ्रेड के हैं। ये इस बार मैंने उसके प्लास्टिक के, इस बार मैंने वुडन के या वैसे कोस्टर्स नहीं मंगाए, इस बार मैंने ये वाले वुडन, ये वाले कोस्टर्स मंगाए हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, जो वर्क होता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, तो ये मैंने मंगाए थे। फोर का सेट है ये और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप इस पे जैसे हॉट पैन वगैरह होते हैं वो भी रख सकते हैं, और जैसे अपने डाइनिंग टेबल पे या अपनी टेबल पे भी रख सकते हैं। और प्राइस की बात करें, 145 रुपीज़ में मुझे फोर कोस्टर्स मिले हैं। हाँ, प्राइस मेरे को थोड़ा सा इसका थोड़ा कॉस्टली लगा, बट जितना मैं जानती हूँ कि ये वर्क थोड़ा सा कॉस्टली भी आता है, जो इस वर्क की जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी कॉस्टली आती हैं, मैंने देखा है। तो भाई, मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे, आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, ये सारे प्रोडक्ट्स थे जो आज वीडियो में मैंने आपको दिखाए, आपको ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, जिस रेशो में आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं उस रेशो में आप मेरे वीडियोज़ को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।